नमस्कार, चुनाव टीवी के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा किया तलाशी अभियान। अभियान में भारतीय सेना ने बरामद किया गोला बारूद। डिवीजन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डोडा ने मतदान केंद्रों को संयुक्त बनाने पर राजनीतिक दलों के साथ दूसरे दौरे की बैठक की। किश्तवाड़ में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत दो दिन सांस्कृतिक लोकचार के बाद फिर से सेना द्वारा आयोजित किया गया स्वच्छ चौगान अभियान। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने पाडर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का दौरा किया और प्रमुख पंक्तियों को श्री मचेल यात्रा के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। खाड़ी के जन प्रतिनिधियों से संयुक्त त्याग पत्र दिए, जिसमें कई बीडीसी सरपंच और नायब तहसीलदारों ने संयुक्त इस्तीफा दिया। अब खबरें विस्तार से। रामबन की तहसील खड़ी क्षेत्र के हनवागन बुजला के जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना 23 आरआर ने एकजुट होकर जंगल क्षेत्र में संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली। इस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध ठिकाने का भांडाफोड़ा और हथियारों के गोला बारूद और संबंधित सामग्री बरामद की गई। देखिए सज्जाद अहमद खांडे की ये रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि कल के दिन 17/7/2022 को एक मौतबर जराया से इतला मौसूल हुई, जिसमें हमें यह पता चला कि खड़ी के हडवगन जंगल में एक मिलिटेंटों की कमीनगा है। इस पर हमने 23 आरआर से मिलके और जैंट के पुलिस, जो हमारी पुलिस पोस्ट खड़ी है, एक जॉइंट हमने सर्च शुरू की हडवगन जंगल में। और इस जंगल से हमने एक दौरान सर्च के दौरान हमें एक कमीनगा हाइडआउट जो हमें मिला। इस हाइडआउट से हमें तकरीबन 14 आइटमें जो है हासिल हुई। और इस पर हमने FIR नंबर 167/2022 अंडर सेक्शन 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट 4 एक्सप्लोजिव एक्ट PS बहनाल में FIR इंदराज किया और जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, इसमें क्या क्या 14 आइटमें जो रिकवर की, यह आइटमें हमारी AK-47 रोड जो हमें 35 मिले, पी का एम्यूनिशन जो हमें 7 राउंड्स मिले, 9mm राउंड जो पिस्टल में लगते हैं 7 मिले, AK-47 मैगजीन जो हमें 2 मिली, एक्सप्लोजिव टाइप मटेरियल जो हमारे ये तकरीबन हमारा 1 किलोग्राम मिला, इसके अलावा एक्सप्लोजिव टाइप मटेरियल जो है एक स्टील कंटेनर में मिला, ये तकरीबन 2 किलोग्राम है। इसके अलावा जो हमारे पास एक फ्रेगमेंटेशन जो ग्रेनेड भी मिला, एक UBGL हमें 1 मिला, रेडियो सेट हमें जो एलिनको कंपनी का है वो हमें 1 मिला, इसके अलावा हमें पैनासोनिक जो है 1 मिला, IED इक्विपमेंट जो हमें 1 मिली, पोच हमें 1 मिला, इसके अलावा केरोसिन स्टोव जो है वो हमें 2 मिले और कुकिंग जो है बर्तन हमारे पास 3 मिले। 14 आइटम है इसमें हमें हाइडआउट में मिली। हमारी तरफ से यही अपील है लोगों को कि इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो भी इस किस्म की कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को, वो हमें पुलिस में या सिक्योरिटी फोर्सेस में हमें ये इंफॉर्मेशन दें ताकि हम इस पर जो है कार्रवाई कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी डोडा विकास शर्मा ने अभियान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक बुलाई और मतदान केंद्रों के संयुक्तकरण के लिए अधिसूचना पर राजनीति दलों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों सुझावों पर चर्चा की। डिवीजन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने राजनीतिक दलों को प्रस्तावित ड्राफ्ट के माध्यम में जाने के लिए दोहराया, जिसमें कुल मतदान केंद्र के आसपास के क्षेत्र शामिल है। बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में डिप्टी कमिश्नर इंफॉर्मेशन ऑफिस डोडा अख्तर हुसैन काजी, चुनाव नायब तहसीलदार अंग्रेज सिंह के अलावा अन्य संबंधित भी मौजूद रहे। खड़ी के जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त त्याग पत्र दिए, जिसमें एक BDC, 6 सरपंच, 5 नायब सरपंच और 11 पंचों ने जिला चुनाव अधिकारी रामबन को सौंपा अपना संयुक्त इस्तीफा। तो देखिए सज्जाद अहमद खांडे की ये रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले जैसे ही इलेक्शन पंचायतों के होते हैं,
तो तब से लेकर आज तक इस इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से बढ़ चढ़कर पेश किया गया और वहीं पे ग्राउंड पे जब हमने लोगों के साथ वाबस्तगी देखी डिपार्टमेंट्स की, तो उसमें जो है हमें कहीं ना कहीं जो है ताउन ठीक ना देखने को मिला। हमारी खड़ी के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज पिछले 15 सालों से काम कर रही है और उनके अंदर जो है एक खड़ी की जो लाइफ लाइन है, खड़ी की एक वाहिद सड़क है जो खड़ी को जो है दुनिया से जोड़ती है, नेशनल हाईवे से जोड़ती है, तो वो राबता सड़क के फर्स्ट 7 किलोमीटर्स जो है वो इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है और उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी जो है इरकान को सौंपी गई है। तो हम 2020 अक्टूबर से लगातार जो है कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भरपूर ताउन भी दिया उस चीज़ में कि उन्होंने ऑर्डर्स निकाले, चिट्ठियाँ निकाली कि इस रोड को जो है मेंटेन किया जाए, इस रोड को रिपेयर किया जाए, इस रोड की जो खस्ता हाली है उसको सुधारा जाए। और इसी बीच जब इस साल जनवरी का महीना हुआ तो वहाँ पर हिरनीहाल का एक स्ट्रेच है 100 मीटर के आसपास का एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रोड ही जो है वो दिसने लगी, जिसके बाद जो है वो मोटरेबल नहीं रही। और कंपनीज़ ने क्या किया कि उस वक्त जब पब्लिक प्रेशर आया, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनके ऊपर दबाव आया, तो इन्होंने वहाँ पे जो है मकिंग शुरू की और मकिंग के ज़रिए जो है वो गाड़ियों को जो है उस मलबे के ऊपर क्रॉस कराना शुरू कर दिया। और हमें जो है उस वक्त 2 महीने मांगे कि हमें 2 महीने दिए जाए क्योंकि बारिशों का सीज़न है, बर्फ़बारी हो रही है, तो हम बर्फ़बारी के ख़त्म होने ही के बाद जो है इस रोड को यहाँ पर ठीक कर देंगे। लेकिन आज चूंकि फिर से जो है बरसात का मौसम आ चुका है, आज फिर से वही चीज़ होती है कि वो शाम को रोड को ठीक कर रहे हैं मलबा डाल के, लेकिन सुबह आके ही रोड जो है वो सुबह 1 मीटर नीचे चले गई होती है। तो इसी बीच में कल जो है एक हादसा खड़ी में एक जगह पे वाका आ गया, वो भी इन्हीं की लापरवाही की वजह से कि कंपनी ने जो है वहाँ पर रोड के 2-2.5 साल निकलने के बावजूद भी उसको प्रोटेक्शन नहीं दी, जिसके बाद जो है कल एक हैवी मोटर व्हीकल जो है वो वहाँ पर लुढ़क गया। और शुक्र है अल्लाह का कि वो मोटर वो गाड़ी जो है वो लेंटर के ऊपर नीचे जो है मकान एक है उस रोड के उसके ऊपर ना गिरा, तो कोई ना कोई जो है जानी हादसा वहाँ पे पेश आ सकता था। लेकिन वहाँ पे जो है अल्लाह के फजल एहसान से वो गाड़ी जो है रास्ते में रुक जाती है और उसे वहाँ पर हटाया गया। वो कल से फिर से जो है हम इनको कह रहे हैं कि जब से इनके ऊपर जो है हम बता रहे हैं कि ये रोड ठीक करें, तो ये कल से फिर से जो है उस रोड की ड्रेन के ऊपर जो है कि आवाम जो है 15 दिन बिना रोड के रह सकती है अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन पे उस जगह पे आते। लेकिन जब हमें हर जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए, हम ग्रीवेंस सेल में जो है एलजी के ये बात डाले, डीसी साहब के नोटिस में, इससे पहले जो डीसी साहब थे उनके नोटिस में, एसडीएम साहब के नोटिस में और सब तहसीलदार वगैरह जो पुलिस के नोटिस में ये मसला लाया, लेकिन जो है कंपनी टसेमस नहीं होती है और किसी भी ऑर्डर की कोई पालन नहीं की जाती है, जिसके बीच में जो है परेशान हम लोग होते हैं क्योंकि हमें जवाबदेही लोगों के बीच देनी पड़ती है। और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं तो हमें 2 दिन और मांगे जाते हैं। आज भी जब हम जॉइंट रेजिग्नेशन लेकर आए कि हमें लोग एक तरफ से बोल रहे हैं कि आपकी नुमाइंदगी पे सवाल उठता है, तो हमने कहा कि हम ये नुमाइंदगी ही छोड़ देंगे ताकि लोगों को तो एक चीज़ आज आपने रेजिग्नेशन लेटर जो है सौंप दिया गया है या फिर अभी? हाँ, हमने रेजिग्नेशन लेटर जो है डीसी साहब को सौंपा और डीसी साहब ने वो एक्सेप्ट किया है और एडीडीसी साहब को फॉरवर्ड कर दिया है। अब जो है वो एडीडीसी साहब के ऊपर है कि हमें क्या कब जो है हमें वो इन रिटर्न इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। इस चीज को आप मानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, जब एक लोकल जाके प्रोजेक्ट के काम में बाधा 2 मिनट के लिए डालता है, हालांकि वो वहाँ पे अपना राइट मांग रहा होता है, तो जब उसको अपने उस ज़मीन में जहाँ वो टनल बन रहे हैं या रोड्स बन रहे हैं, इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं नेशनल प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे जब 2 मिनट के लिए काम बंद होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस 2 मिनट के अंदर वहाँ पे हाजिर हो जाती है। और हमारी राबता सड़क जो है पिछले 2.5 सालों से जो है वो खस्ता हाली की शिकार है, वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स जो है वो बिल्कुल जो है वो इम्पॉसिबल हो चुकी है, वहाँ पे रोज जो है किसी न किसी गाड़ी को जो है वहाँ पे टूटना पड़ता है। आज हमें यही
आखिरकार हमने यही सोचा पूरा हमारे बीडीसी चेयरमैन और कुछ सरपंच हजरात और पंच हजरात हमने इकट्ठा एक रिज़ाइन पेश किया डीसी साहब को। उस रिज़ाइन पेश करने का हमें यही मकसद था क्योंकि जब हमें इलेक्शन लड़वाया गया यहाँ पे बड़े बड़े ख्वाब हमें बताए गए कि आपको ये पावर दिया जाएगा बीडीसी को ये पावर, हमें ग्राउंड पे कुछ भी नहीं देखने को मिला। इसलिए हम आज मैं सरपंच एक हूँ और मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने एक रिज़ाइन जॉइंटली रिज़ाइन दिया है, वो डीसी साहब के सामने हमें रखा है। तो मसला ये है जैसे हमारे सज्जाद साहब ने और रोहित साहब ने कहा रोड का बिजली का वगैरह, हम जब किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं किसी भी ऑफिस के पास, आज तक हम गए हर ऑफिस, हमने आज तक कहीं ऑफिस ऐसा नहीं छोड़ा चाहे वो जम्मू का ऑफिस हो या रामबन का या तहसील का ऑफिस हो, हमने आज तक कहीं ऑफिस नहीं छोड़ा है, वहाँ से हमें कोई फीडबैक अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से हम मजबूर होकर हमने अपना जो रिज़ाइन पेश किया क्योंकि हम लोगों के बीच में ऐसे गाली खाने के लिए नहीं है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अगर एक ठेकेदार या कंपनी इनके हैंडल में नहीं आ सकते तो ये हमारे लिए क्या सोचो विचार कर सकते हैं, इसलिए हमने अपना रिज़ाइन पेश किया। 2018 में इलेक्शन करवाए गए थे तो उस टाइम कहा गया था कि ये जो हम सरपंच और पंच या बीडीसी डीडीसी के लिए जो इलेक्शन हुए तो हम आपको बहुत बड़े पावर दे रहे हैं, आप ये काम करोगे वो काम करोगे, लेकिन अभी 2 या 3 साल गुजरने के बावजूद पंचों या सरपंचों या बीडीसी डीडीसी को पावर नज़र नहीं आया। तो आज इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जब हमारी बात तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, डीसी ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी सुन नहीं पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नहीं सुन रहा है, तो हमें यही लगा कि हम लोगों के बीच में क्यों गालियां खा रहे हैं, हमारे पास जब कोई पावर है ही नहीं, सरकार जो अभी कह रही है पंचों सरपंचों को पावर दिया गया है ये एक झूठ है, ये एक प्रोपगंडा है। उस टाइम लोगों को बाहर निकलने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे कि इलेक्शन लड़ेंगे, हमने अपने सिर पे कफन बांधकर हम आगे आए, हम लोगों के नुमाइंदे बने, हमने सोचा सरकार हमें पावर देगी हम लोगों के काम करेंगे, लेकिन ये एक झूठा है, ये एक प्रोपगंडा है, एक झूठ है, तो हमें कोई पावर नहीं दिया गया। क्या कदम लिया? तो आज हमने इसीलिए ये कदम लिया, हमने मैं पंच सरपंच एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमने आज ये फैसला लिया, हमने डीसी साहब को रेजिग्नेशन अपना ये सबमिट किया, तो हम आपके सामने भी गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुँचाने, हम आज ये गवर्नर साहब के मतलब आपके जरिए से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ धोखा ना कीजिए। और ये जो पब्लिक है हम आप देख रहे हैं जो इस वक्त खड़ी में रोड का मसला है, अभी पिछले 2 साल पहले टंडर हुआ है। अभी किश्तवाड़ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के चल रहे समारोह के तहत भारतीय सेना ने भारत स्काउट और गाइड और किश्तवाड़ के स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ ऐतिहासिक चौगान मैदान में स्वच्छ चौगान अभियान के तहत एक स्वच्छ अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने जमीन से कूड़ा करकट कचरा और सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र किया। अंत में प्रतिभागियों को भागीदारी का प्रणाम पत्र प्रदान किया। सेना ने लोगों से स्वच्छ और स्वच्छता भारत के सरकार के सपने को पूरा करने का आह्वान किया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने पाडर में स्थानीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक संवाददाता बैठक की। बैठक में वार्षिक श्री मचेल यात्रा के सुचारू और परेशानी मुक्त संचालन के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीआरआई और प्रमुख व्यक्तियों के बहुमूल्य सुझाव मांगे और सभी सुझावों को नोट किया गया। पहली ब्रिज सेंक्शन करा लिया था पहले ही, जिसका काम बार फुटिंग में चल रहा है और वेल बिफोर यात्रा वो ब्रिज जो है वो लॉन्च हो जाएगा, यात्री उधर से ही जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। आज आर्मी का मटेरियल भी ट्रांसफर होना शुरू हो गया, वहाँ पे कोई 20-25 लोग लेबर लगी हुई है, कल तक एक अपार्टमेंट कम्प्लीट हो जाएगी और उस साइड से लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी। मीन टाइम सामने वाली अपार्टमेंट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम जेसीबी क्रॉस कर सकते हैं दूसरी साइड, तो वो हमें मेंटेन करना है ड्यूरिंग यात्रा। इसके बाद जो आगे वाले 2 स्ट्रेच हैं उनका भी टेंडर अलर्ट हो चुका है, काम चल रहा है, वो आगे वाले ट्रैक भी अगले 3-4 दिन में जो है वो ठीक हो जाएंगे। रही बात कुछ ऐसे काम थे
जिनके दूसरी बार करने के बाद भी टेंडर नहीं आए, और इमरजेंसी बेस पे हमने पंचायत का वहां कंपटीशन पंचायत में ही करा के वहां पे एस्टीमेट से कम रेट पे उनको इमीडिएटली काम लगा दिया, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो या परेशानी ना आए। पर फास्ट ट्रैक्टर जो हमें यात्रा चलानी है, यात्रा तो नहीं हो सकती, तो यात्रा चलानी है वो सबने मिलजुल के चलानी है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी लोग हिंदू समाज में हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ताकि जो भी लोग यात्री आते हैं उनको हम बेटर कैसे सहूलियत दे सकते हैं, मुझे प्लान बन जाए कि कहाँ कौन सी चीज बननी है। हैफाजर्ड ग्रोथ को हमें रोकना है, ताकि कहीं सराय बननी है, कहीं लंगर के लिए बनना है, पुलिस चौकी बनी हुई है, तहसील ऑफिस बना हुआ है, आपकी NTPHC सेंक्शन हुई है, उसको चार उसको जगह दे दी है, हमने जगह दे दी है उसको, तो वहाँ वो बननी है। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट के लिए जो है वो लोकेशन ईयर मार्क की जाएँ, और मचेल यात्रा के लिए मल्टी स्टोरी जो सराय बननी है आने वाले टाइम में। देखो भद्रवाह के किला मोहल्ले इलाके में पुलिस के सब इंस्पेक्टर निशांत संगोत्रा के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन भद्रवाह से एक पुलिस दल भद्रवाह के किला मोहल्ला में क्षेत्र में गश्त पर ड्यूटी पर था। पुलिस पार्टी ने एक पैदल चल रहे व्यक्ति की संदिग्ध हरकत देखी। जब पुलिस उस व्यक्ति की ओर जाने लगी तो पुलिस को अपनी तरफ आता देख उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। जाँच के दौरान उसके पास नशीले पदार्थ बरामद किए गए। आप बने रहे चनाब टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।